खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए अपना न्यू बेकिंग ओवन की अनबॉक्सिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं अपने बेकिंग ओवन के फीचर्स आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें पहले लोअर और अपर दोनों तरफ रॉड है, जिससे आप जो भी चीज़ बनाते हैं बेकिंग की उसको दोनों तरफ से हीट मिलती है। इसमें कैविटी लाइट भी मौजूद है। मैंने लाइट वाला इसलिए प्रेफर किया था क्योंकि इससे जो हमारी चीज़ बन रही होती है वो हमें नज़र आ रही होती है, मगर बाज़ ओवन ऐसे भी आते हैं जिसमें ये लाइट अवेलेबल नहीं होती। ओवन में लाइट ना होने की वजह से हमें अपनी चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमारी चीज़ अभी किस स्टेज तक रेडी हुई है। इसमें मैक्सिमम 13 इंच का पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है और जो इसकी टेम्परेचर की लिमिट है वो 70 से 230 सेंटीग्रेड तक है। अब इस ओवन की एक्सेसरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बेकिंग ट्रे आती है, बेकिंग पैन होता है, क्रम्ब ट्रे होती है और कुकिंग टोंग होता है। अब मैं आपको ओवन की अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। अब हम ओवन के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बेक फिश हो सकती है, मीट है, विंग्स हैं, हॉट डॉग्स हैं, पिज़्ज़ा है, स्वीट पोटैटोज हैं, ब्रेड है और केक भी बन सकता है। ये इसका नोब जो है ये टेम्परेचर का है, ये दूसरा जो नोब है ये हीटिंग का है कि आपने नीचे का रॉड चलाना है, ऊपर का चलाना है या दोनों इकट्ठे चलाने हैं, और जो ये तीसरा है ये इसके टेम्परेचर का है, और ये पावर की लाइट भी ऑन होती है जब इसको ऑन करते हैं। ये इसके अंदर लाइट भी अवेलेबल है। अब हम ओवन की एक्सेसरीज की तरफ आते हैं। ये रोस्ट करने के लिए रॉड दिया हुआ है। ये इसके अंदर बेकिंग ग्रिल निकली है। ये एक बेकिंग ट्रे है। और ये ट्रे को बाहर करने के लिए इन्होंने ये स्टैंड सा भी साथ दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं ट्रेस, इसलिए इसको आप आसानी से इसे बाहर निकाल सकते हैं। ये इसका ऊपर का रॉड है और इसी तरह ही नीचे भी ये रॉड दिए हुए हैं। इसके साथ ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है। ये इसका लिड है, ये ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे बंद होता है। उम्मीद है आपको मेरी ओवन की अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब मैं अगली किसी वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।